नमस्कार, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पोगाम पादु रबर एस्टेट में। मैं आपको सूचित कर दूं कि श्री पोगाम पादु के 7 अलग अलग जगहों पर रबर प्लांटेशन फार्म्स है। उनमें से 2 रबर प्लांटेशन गार्डन्स हाईवे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण नष्ट हो चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में उनके 5 विभिन्न फार्म्स को दिखाऊंगा। रबर प्लांटेशन गार्डन दिखाने से पहले श्री पोगाम पादु के संबंध में 2 शब्द कहूंगा। श्री पोगाम पादु कामदु विलेज के हेड गांव बुरा है, हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के सबसे सफल व्यक्ति में से एक है। 82 के उम्र में भी वह मेहनत करते रहते हैं। श्री पोगाम पादु और उनके धर्मपत्नी श्रीमती मोंगाम अत पादु को उनके सक्सेसफुल पेरेंटिंग के लिए गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट कपल से नवाजे गए हैं। यस, फॉर पेरेंटिंग अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एज ऑफिसर्स इन अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। श्री पोगाम पादु ने अपने पहला रबर प्लांटेशन 2007 में कामदु के दोगुगुरा एरिया में आरंभ किए थे। 900 पेड़ लगाए उन्होंने। दूसरी और तीसरी प्लांटेशन उन्होंने 2013 को 1200 और 2150 पेड़ कोप्पो कामदु एरिया में लगाए। फोर्थ प्लांटेशन उन्होंने 2014 को 1100 पेड़ लगा कर किए और 2018 को फिफ्थ प्लांटेशन किए थे। नेचुरल रबर को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के कामदु इलाके में पहली बार नेचुरल रबर शीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्थापना किया जा रहा है। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है और इसका उद्घाटन श्री पोगाम पादु रबर इस्टेट के मालिक ने स्वयं अपने शुभ हाथों से किए हैं। इस शुभ दिन में श्री दोई आदो एक्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री गामलु पादु रिटायर्ड IAS श्री मार्गी अत DAO श्री गामतुम पादु ADC श्री योमी और दारका एवं कामदु के काफ़ी सारे लोग उपस्थित थे। आप वीडियो पर बने रहे। थैंक यू। तो चलिए जानते हैं कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन किस प्रकार से किए जाते हैं। लाइफ स्पेन यानी जीवन काल। आमतौर पर रबर प्लांट के औसत जीवन काल लगभग 30 से 35 साल के आसपास होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा कम से कम 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तापमान 21 से 35 सेंटीग्रेड के बीच होनी चाहिए। रबर के खेती के लिए सूर्य का प्रकाश काफ़ी आवश्यक है। रबर का कल्टीवेशन जनरली जून जुलाई के महीने में होता है। तो आइए अब हम टेपिंग और प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। लेटेक्स को रबर के पेड़ की छिलके से टेपिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर मशीनों के मदद से रबर शीट तैयार किया जाता है। श्री पोगाम पादु ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रबर प्लांटेशन की शुरुआत सन 2007 में किए थे। पोगाम पादु रबर एस्टेट वेस्ट सियांग जिले के सबसे पहला यानी कि सर्वप्रथम प्राकृतिक रबर उत्पादक है। श्री पोगाम पादु पहला शख्स है जिन्होंने वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पहला रबर प्लांट उगाने का जोखिम उठाया है। ये समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है। श्री पोगाम पादु ने रबर को वाइट गोल्ड कहते हुए कहा कि ग्रामीणों और अनएम्प्लॉयड नौजवानों को अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए रबर प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे नॉन पेरेनियल इनकम के
बजाय उनका परमानेंट आमदनी हो सके। दोस्तों, वीडियो पर दिखाए जाने वाले रबर गार्डन पोगामपादू रबर एस्टेट स्पॉट नंबर 5 है। यह पांचों बगीचों में से सबसे बड़ा रबर बगीचा है। यह दारका और कामदु विलेज के बीच नामसु एरिया में हाईवे के बिल्कुल पास है। इस बगीचे में रबर प्लांटेशन 2013 में किए थे और यह बहुत सुंदर और आकर्षक है। यहाँ पर टेपिंग के प्रोसेस भी शुरू हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स के मानो तो ऑप्टिमम यील्ड यानी कि अधिकतम लेटेक्स प्राप्त की संभावना भी ज़्यादा है। आप वीडियो पर बने रहे और देखते रहे अरुणाचल वेस्ट न्यूज। पोगामपादू का रबर टी गार्डन का इनोग्रेशन आने लगा चीफ गेस्ट आप मिले तो नरू आखम नागम इनवाइटिस नरू मेगा लामा मिले मई इजा फॉर्मेल एजेंडा या खा मांग ही आई नम फैमिली जस्ट थीम हिलो इनोग्रेशन इलपमला नुन नाम गो कम तो अमीन मेजा योक इसका इजाने अब हॉक्सीप गेस्ट बम गाय ओको रबर यो यो बम इनम पानम नरुआ बम इंगोल का लाख मिशन यो दू दो इन मम गोक टेक्नीशियन गद काम नरुआ का ला और इसमें हम 2 लीटर डालेगा रबर के लिख के, उसके बाद हम पानी मिक्स करके 2 लीटर। ये जो आप जो सफेद सफेद देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये रबर का है। रबर का जो लेटेक्स ना, लेटेक्स बोलते हैं ना, वो निकला है। ओके ठीक है, तो आप दोनों दिखाएगा कैसे बनना है ना। अभी दिखा रहा आगे जो डाला है वो वहाँ का रबर का हुई है ना, लेटेक्स ना। अभी जो पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है। मतलब वो रबर का लेटेक्स जो 1.5 लीटर डाला है जी, पानी भी 1.5 लीटर डाला है। उसके बाद हम अभी कल डाला था इसको, इसके बाद अभी ये थोड़ा हम अभी इसको रोल करेगा, दिखाएगा आप कैसे करें। हाँ, रोल को दिखाएगा मैं। ये जो अभी जो हाँ, उसको कितना घंटा कितना आवर्स आप पानी में भिजा के रखते हैं इसको? मतलब 12 घंटा भी रख सकते हैं, वो डेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। डेयर से ज़्यादा होगा तो हम 4 से 6 घंटे के अंदर में इसको हम रोल करना पड़ेगा। ठीक है। अभी थोड़ा ठंडे की सीजन में अभी डेयर से थोड़ा कम होता है, इसलिए हम इसको कल शाम को किया था। अभी हम 12 घंटा भी। आपका तजुर्बा थोड़ा बताइए, आपका एक्सपीरियंस, आप कब से इस मशीन को और ये रबर का काम में कब से लगा? हम अभी 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस? 10 साल कर रहा हूँ। ठीक है, आपका नाम बताइएगा। कोनोग्राम है, ग्वालपरा आसाम से। अच्छा, वहाँ से आया है। हाँ ठीक है, डॉक्टर जी।
हाँ टाइट करते जा रहा है। मतलब ये लेटेक्स को निकल के एक रात भिजा के रखने का सुबह कैसे करता है? हाँ सुबह करता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। हाँ हो गया, अभी हम इसको फिनिशिंग करेगा। अच्छा फिनिशिंग करेगा, अभी आप जो पानी भिजाया है ना उसको कल करेगा इसे ना, अभी जो कर रहे हैं अपना। हाँ इसको हम कल, हाँ कल करेगा। ओके ठीक है, ये फिनिशिंग करेगा अभी। ओके ठीक है, ठीक है हो गया। बनी रहो पानी में थोड़ा भिजा के। अच्छा अभी हम इसको धूप में रखेगा 3 दिन। अच्छा अरे वाह ओके, ये तो पूरा ये बन गया एकदम प्योर रबर ना। हाँ मैट बन गया, मैट में वाह। इधर सब सब तो इधर ही बोल दो ना भाई, फर्स्ट हमारा आलो का फर्स्ट रबर प्रोडक्ट है ना। ये देखिए तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा रामा जी, अच्छा जैसे अभी आप हम लोग के सामने पानी मिलाया है ना, ये पानी मिला ये जो बकेट जो निकला है वो कितना दिन का है? लेटेक्स जो निकला है हम सुबह 4 बजे टेपिंग करता है, मतलब एक सुबह का ही प्रोडक्ट है, सुबह का प्रोडक्ट है। रोज टेपिंग करना, टेपिंग कर रहा है जो आप घास का पेड़ में जो आप बोल बांध के रखा है ना उसको टेपिंग बोलते हैं। दो 3 दिन के अंदर में हम एक दिन चोरना पड़ेगा। अच्छा, रोज करना पड़ेगा। ओके हर दिन, हर दिन 3 दिन में एक दिन चोर के, एक दिन चोर रोज ऐसे एक बकेट निकलेगा। हाँ, एक पेड़ से ज्यादा ही नहीं, एक पेड़ से नहीं एक पेड़ से नहीं। अभी हम यह 200 जैसा पेड़ है। ओके और इसके बाद हम 2 साल के बाद फुल प्रोडक्शन मिलेगा। ना अभी जो हम देखा है आप जो प्रोसेस किया है ना, इसमें जैसे कि 1 लीटर आधा ये लेटेक्स डाला है ना, लेटेक्स डाला है उसमें, फिर 1 लीटर आधा का पानी डाला है। तो ऐसे हो कि आप इसको अभी जो आप हमको मशीन में देखा कल सुबह तक ऐसे बन जाएगा? हाँ कल सुबह तक बन जाएगा। ओके ठीक है, अभी हम इसको धूप में सुखाएगा 3 दिन तक। धूप में सुखाएगा हम अभी 3 दिन तक सुखाएगा। 3 दिन तक। अच्छा 3 दिन का अंदर अगर बारिश आ जाने से क्या होगा? बारिश आने से हम अंदर डालना पड़ेगा, रात को अंदर हम घर में घर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन तक लगातार बारिश गिरने से, बारिश गिरने से थोड़ा निकलेगा आप सोएगा। हाँ उसमें तो थोड़ा हल्का सा खराब होने से भी हम उसके बाद में धुलाई करेगा पानी से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम अभी स्मोक हाउस में जाएगा। ओके थैंक यू। इसको हम अभी आग जलाया है जी। हाँ इसको आग जला के तो उधर धुआं निकल जाएगा। निकलेगा तो इसके ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसको 1 सप्ताह जैसा के बाद हम फाइनल हो जाएगा। ओके ये कितना दिन का है? ये अभी 3 दिन का है। 3 दिन का है ना? ओके वेरी नाइस। मम्मी निकलो गई, अब यहाँ से ये धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ से वो बगल वाला रूम घर से जो है आग जलाया है, ये हॉल से जो है धुआं निकल के आता है और इस तरह 3 दिन सुखाया जाएगा। अच्छा 3 दिन धूप में रखने के बाद यहाँ रखेगा ना? यहाँ लेके आएगा कि नहीं कर? ओ जब जब तक आप यहाँ से सप्लाई नहीं करेगा, ये फाइनल प्रोसेस है। ओके थैंक यू सभी को, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पोगाम पादू रबर स्टेट में, तो आप देखे हैं, हमें आपको विस्तार में इस वीडियो में बताऊंगा आज यहाँ क्यों आए हैं और यहाँ में क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है, मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा आज के हमारे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का चीफ गेस्ट और इस रबर स्टेट का मालिक, हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के कमद बस्ती के हेड गाँव बुरा श्री पोगाम पादू से।
अब नमने चैनल अरुणाचल वेस्ट न्यूज लमृग दु आल दम नोखर स्टेट हईलो हा दुंग आलो गो वेस्ंगो कब इन नादू काम दुंगो हेम माई नोक चैनल हिसाब लोक रेकर्ड माखाना हम बर बर बागान इन नो पे दाम लंगो का दुम आत्व इन नई हिलो हि नो हिम रबर कमने इनोग्रेशन इला नु रबर बागान आउगा पूरा नोक आलि रूम तुम इला दुआई मो नोक अरुणाचल वेस्ट न्यूज पे लोक कंग्रेचुलेशन आगाम जिरी दुना ओक बेस्ट अफ लाख आई बेस्ट वेस्ट एस जिदा नोक चैनल लोक नो नजिंग मेन खा नो हि रबर बागान हिम नो नोक याद गोबे रबर बागान दौदना जगह जगह याद गोबे खा दुना रबर जगह कान गए जगह कान गई तो कान गई तो कान गई आई नाम हाईवे बदा मैग दोला कोतों का को ओ बदा न्यार नम ना बदा न्यार को मै जाहे आंगो को कादो आंगो को कादो आंगो योलो योलो मे कादो को आंगो आकोते हि कोपोते आई पार्के मिशन मिशन प्रेयर और तुदुम दे आई कोपोते आई ओके हि डॉग गुराई गुरा के निगे हि इरब गो ओकाली ओके लाई हि इरब गो बितो ओके आम खुद हर गोन इरब गो बता तक गोन ओके आ लाशे कोई अल इजा आ अमे दो दो ओके ते होगे आ आम इदक लोक आ आ आ लो लक इन मना तो ते मे दो गु गु मई गु गु ते आ कोई ते बता इंपैक्ट हाईवे बता इंपैक्ट इंपैक्ट का दु नाम ते हि तो हिम इस इतवई लाई ओके गुद्दा हिम इतला कोदा इले ला कोप तो हिन इतवई ओके आही दा आ दाली आई ओके तग दग हाईवे दो गतर हे हक को लो गते इन मा तात यारु बिदो ई तात तात ना याद गो बे टोटल नो नरु कोपो मेन ला ओके हिम दो गुरा मेन ला ओके त हाईवे दो गते म्योम ला बे तुरु का तीन गते म्योम ला ते मे दो गु 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 मन ने ते गु गु ओके अल को माना गद्दा हे menya namsi cargo namsi ai apa aku na deyu deyu ala anyam to pula al mana anyam to pula ho alla ka degi iza rabar hina yad gob du du dei iza ngo ku ka ku ma hin na sin hito hika do nai do ko hobo we hin mai holurang mai tin sari hajar gob du sai tin bila pa sa ya do 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 la pa ba so शोदो यो हजार गए बे तो तेले नाइ लकरम आल दो ओ जकात बाहि रोबर हि लोग इरब दुई म लोग का लंगो म लोहिन पूरा मो को मिंगोल कान म हे हम गपला हम बनरो म हक बत्ती गाल ले तुई म हिलो मिसिन अपसिन आया गाम रूब नो मिसेस नुन हिलो इबेका गाल रुदो आई मीन म नो नु ग दोलु नी आई दरका कम दु ओक आलो गालो गुमी नम ने नो हिम रोबन रोबर प्लांटेशन हिम ने इस गो बे इमास लाग बे नो आजी गो गोम नि गो मुंग मेन का जित कि गो दोलो दे रकिन गदम छन ना आ गो दोलो नारु हे गो दोग बे सेयांग आ सेयांग हक त नारु तत्का गो मे आम ने बागने एम बे लप हम लंगो हेम्मा तो आई इजा गो बागने हिन आला ने दे ने मा दे गो हेम्मा हेम्मा तो इजा गो आलांग का खना मा गो माजी बे पूर्ति दा को आई एम बिन म दोलो नारु हिम इला बोलो अल दोंग मुदा इक दोला इदेना मोक आइदा एंग फ्रम मोबाइल दोन मोबाइल इतकाई दोन्याक लई हां दोन्याक लई इतका मोयम ल इक्वा हां मोयम उसे हे दकाई रोबर हम ओक अदुला उहु दुला यम ने पुरा अ हेम पका अलमा अमिन म ओक देन लोसिन आदा दा को हिंदू अमिन म इजा तेल लोकिन ला को लबलो हा हाला इदागना इन म दोन नारु हिंग काला इला बोलो अलुना मई आ एमिन मंगोक चैनल हिगी गालुओ पे दांग मा दुई एम निसि निप क तोलक बोल क नरुआ हि का दु जा YouTube लो आई आई एमिन मनो तोगुनु काम दियो क हेड गंबुरा एम मनो दे बनि गोम नित आउ 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 अम नि गोम नित दम नरुआ बेंग अम ना हिंदी बसिन नो गोम नि गो आप गो हिंदी म नो ताका आई आप तो बताइए मेरा व्यूअर्स को आपको कौन आईडिया दिया है कौन आपको समझाया है कि आलो में रबर भी प्लांटेशन रबर गाची घास भी जो है रबर का पेड़ भी जो है लगाना है बोल के आपको कौन बताया है नहीं हम आप हिंदी में थोड़ा बताइए आन पर रहे हो रहा ही नहीं है तो भी हमारा दिमाग से क्या करने से क्या होगा बोल के हम ऐसे कर करके इसको जो समझाया बुझाया लड़का लोग किया आपका बच्चा लोग किया बच्चा का लोग बात से हम
मेहनत अपना से किया है, वही है। ओके ठीक है, एक तरफ से मैं जरूर कहूँगा व्यूअर्स को भी, इन्होंने रिस्क लिया है हमारे पूरा गालौज समाज के लिए, इसको करना चाहते थे लेकिन सब डरता था हमारे यहाँ में रबर प्लांटेशन ठीक से होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये हमारे कमदे के हेद गाँव बुरा उन्होंने रिस्क लिया है और एक रास्ता दिखाया है हमारा समाज के लिए। जैसे कि आपने देखा हमारे वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ में अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है और मैं यहाँ का एक्सपर्ट से भी बात कर चुका हूँ, यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट्स निकल रहा है। तो मैं भी गाँव बुरा के साथ साथ सभी को अपील करता हूँ, आप भी इसे रबर प्लांटेशन में आगे आइएगा और हमारे गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आपको पूरा साथ देगा। और पोगाम पादू की फैमिली की ओर से भी यही कहना है, आप जो भी इंटरेस्ट है आप पूछताछ कर सकता है, एनी टाइम आके यहाँ आप एडवाइस ले सकता है और यहाँ मशीन लगाया हुआ है, आप मशीन को भी आके इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ पोगाम पादू की ओर से पूरा आपको सहयोग देगा। थैंक यू। और एक गलती भूल गया, हमको एग्रीकल्चर ऑफिसर लोग भी हमको मदद किया है, ये मशीन दिया ओके आलम का एग्रीकल्चर और ईटानगर का ये बोध प्रति वो भी मदद किया, आके चेक किया ओके। और गुवाहाटी का भी पुली दिया और दुबई दिया, ऐसे करके हम लोग को मदद किया। उसी सब का मदद से ये काम सक्सेस हो रहा है ओके। सुनिएगा आप, जो मेहनत करता है उसे सब सपोर्ट करता है, दो लोग मिनजिए मैं अलना काम को इनाम लगा और इन सपोर्ट दू और कई लोगों को एग्रीकल्चर ऑफिसर इन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को कहा दू मैं लोग सिंगता है वीडियो में नरुआ का पुथा का देखते रहे अरुणाचल वेस्ट न्यूज। हमारे साथ है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री मार्गी अता जी, सर आपको हमारे अरुणाचल वेस्ट न्यूज में स्वागत करता हूँ। थैंक यू मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आज हमको हमारा आतो पोगाम पादू जो इधर का ये है ओनर है, उन्होंने इनवाइट किया कि आज लेटेक्स टेपिंग हो गया और प्रोसेसिंग भी शुरू हो गया। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन वेस्ट सियांग जी। पहले मैं अनऑफिशियली भी हिसाब लिया है, उन्होंने सेवन एरिया लोकेशन में प्लांटेशन हुआ है, अलग अलग जगह में दारका और रीगो कमदी एरिया में, जीरी एरिया दोगीर है, ये फिलहाल दोगी एरिया है। तो अभी ऐसे आइडिया लिया है मोर देन 12,000 प्लांट है ऑलरेडी रेडी फॉर एक्सट्रैक्शन जी। तो अभी नेक्स्ट ये में वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा लेटेक्स शुरू में। तो अभी डिपार्टमेंट का हिसाब से अभी एक हम लोग का डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट कर रहा है रबर प्लांटेशन को जी। और ये बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स का सब्जेक्ट है जी। तो डिस्ट्रिक्ट में इन लोग का मेन पावर कम है बोल के हमारा एग्रीकल्चर को एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनाया, तो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अभी भी हम लोग लास्ट 4-5 ईयर्स से दे रहा है रबर का। और इसमें अभी भी है, अभी एक नया स्कीम दे दिया है ये आत्मनिर्भर कृषि योजना में जी। ये रबर और टी को भी एक साथ वो ये किया है। तो हालांकि हमारा वेस्ट सियांग में थोड़ा रबर का एक ये ज्योग्राफिकल ये को लेके थोड़ा हम लोग ये कर रहे उतना लार्ज स्केल में हम लोग नहीं ले रहे हैं, अब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है जी। और हम लोग का टेक्निकल हिसाब से ये रबर का सनशाइन जरूरी है, फोटो पीरियड 8 आवर्स मिनिमम 8 आवर्स चाहिए, धूप जरूरी है और अल्टीट्यूड भी विद इन 100 meters बिलो और एबव मैक्सिमम 100 होना चाहिए जी। तो हमारा ये एरिया 100 में गिरता है okay। और जो है अभी ईस्ट सियांग लोअर सियांग में अभी जो ऑलरेडी टेपिंग शुरू हो गया, इन लोग इतना इनका रबर से आमदनी हो रहा है okay। कि अभी मतलब ईयर्स टुगेदर उनको कहीं भी नहीं जाना है ये रबर से, और बायर्स भी आ रहा है बाहर से, मतलब मार्केट अच्छा बहुत है। और नॉर्थ ईस्ट में अभी त्रिपुरा रबर का हब है
और हम लोग का अरुणाचल को भी सेकेंड ये बना रहा है। ओके। और ये स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में जी ये रबर का बहुत ये है पॉपुलर है, और खास करके इंडिया में साउथ और अभी त्रिपुरा में जी ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। और ये बहुत अच्छा बात है कि आज हमारा दारका और कामदेव एरिया का एक वन ऑफ द पायोनर जी यस एग्जैक्टली ये पोगम पादो सिर्फ वो ये ने आज रबर का काम नहीं कर रहा है, वो लास्ट 60 ईयर से हम लोग 50 ईयर से हम लोग बचपन से देख रहे हैं। एक ऐसा मेहनत करने वाला आदमी है तो सिर्फ ये में खेती बाड़ी में नहीं है, उनका जितना बच्चा को बाल बच्चा को किसी को भी नहीं छोड़ा है पढ़ाई में, और उनका मिसेस उन्होंने जितना अपना ये को फैमिली को पढ़ाया लिखाया। पोगम पादू साहब बोला है आपका डिपार्टमेंट का तरफ से भी काफ़ी मदद किया, ये मशीन जो हमने सुना है जो आज मशीन दिखा रहा है तो आपका गवर्नमेंट ऑफिस का तरफ से डिपार्टमेंट का तरफ से उन्हें दिया गया है। हाँ ये हमारा डिपार्टमेंट में ये हम बोल बता दिया बता चुका है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स का है लेकिन डिस्ट्रिक्ट में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें हमको राइट फ्रॉम ये से सेपलिंग से ले कर आपको प्रोसेसिंग का जितना ये मशीनरी है वो लोकल लेवल में इंडिविजुअल ये के लिए हम लोग दे देता है। शीट रोलर है अभी जो आप दिखाया हमको, तो ये शीट रोलर भी हम लोग दे देता है, और इसमें हम लोग प्लांटेशन सेपलिंग के साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, सेपलिंग भी दे देता है और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, और थर्ड ईयर तक हम लोग इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे देता है डिपार्टमेंट का तरफ से। और इसमें बीच में हम लोग ट्रेनिंग भी देता है, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है, पेरेंट्स डिपार्टमेंट हो ट्रेड एंड कॉमर्स है, और इवन अभी हमारा इन लोगों का एक्सपोजर विजिट भी हम लोग ले जाते हैं फार्मर को, तो बाहर में ले जाते हैं जैसे त्रिपुरा हो गया, साउथ में केरला हो गया, जहाँ जहाँ में प्रोसेसिंग यूनिट है हम लोग ले जाता है और हमारा ऑफिसर एस्कॉर्ट में ले जाता है, और ये ट्रेड एंड कॉमर्स का साथ मिल के हम लोग ले जाते हैं। और ये अभी भी हम लोग को ये आता है ट्रेनिंग के लिए एक्सपोजर विजिट के लिए अभी भी बुलाया है, हम लोग अभी ये करके कवर दे देगा जो जो इंटरेस्ट है प्रोग्रेसिव फार्मर हम लोग बाहर ले जाएगा डिपार्टमेंट का तरफ से। तो सर हमारे गालो व्यूअर्स के लिए गालो जी एज नो इन एक गालो ऑफिसर है जी आई मीन नो ही नो इन महंगे पुथ हिल्स में तू आलू भाई एक दो लाइन पूछा माँ कमाई दू भाई तो इजांगू ही आलो आ रही ही इत भाई दू हम लार्ज स्केल भाई पोगम पादू की एम इकान में एक्सपर्ट का दब सको जो इकान में आलिए प्रोडक्ट आलिए एम दू भाई एम नो गम गम नहीं भाई मुँह दौलू नहीं एम रिक हम मो दिए दो मुंगे को आई एम मुंब को दिए दो हम नगा दम नो गम नहीं गोम इसको जी खाता भाई आलू दो नो एकदम मैंने मन में नो क्वेश्चन आल जाना तका गए मीन में नो हुंगोरी गो कामदे ओके वेस्ट सियांग एज ए होल गो गो डिपार्टमेंट तरफ लोग नरू मेन दांगना आई इम पोसा कान गाद को दिए दोगे मो तुम भी इल दांग गादम बे एम ले रुयो कई प्लांटेशन ही रू तो का एम एकदम हिगी हिलो उन आत पोगांग होगो मैंने मिशन प्रैक्टिरियम इनोग्रेशन ही लाइन में होगो बिग प्लांटेशन इनका फायदा यहाँ का दू ओक्सात साथ लो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा हो कहूँ गो ओमे पूरी तोला जो भी माब नाम लो दू उनका दम होगला सिन नून ट्रेनिंग लगून ट्रेनिंग हम जी एम तबा एम होग सिन नून आ लाए ओ कम ही इनका ले ला एरिया में नून अलग जगह अत भी माधो वे सिन अलग इगिनान गो गिन्यान गो पपला इतका पुलिय मुनु डिपार्टमेंट जी दू इजा गवर्नमेंट इन्हालो एन के आत्मनिर्भर कृषि योजना लो सिंगु नमरा बार एम टी एम जी दू एन मंगुनु जी दू ना के एन मंगु के एरिया होगो आलो एरिया होगो नी हेमा नाम लगा इमा 27 लेरो मो बात है
ती एम जी दू ओके पुतीस बोलो उन मेनली ज्यादा लोअर से अंगे खुबा लख लोग अब नरुम बोल जिन में इसलिए कि ब अजी वो हाइट कौन थी ला इन में बोलो प्रॉब्लम काम अभी दू मू घी निजा अल दू दो निजा अलु पा दू को एम इन में नी दो सी लगी दू और हाई थे नम जब लगी माँ उन 100 मीटर्स एबोम न्यूम दो मिन में आल दो मिन में गोंगो के दोलो ए जगह दम नरू हम आलो एरिया ओक निगा दम मिन को दिया हम दो साम ता दो साम प्लांटेशन ही रूटो का ए मिन में नून अजीग ही पाम लगो मिशन का माम लगो मा बका लेटेक्स प्रोडक्शन है नो मिनिमम 6 इयर्स वो ई योम लेटेक्स प्रोडक्शन इक योम ई अर्ला नें क्योम अलम नुनु लाग दोला होगो होगो लाग होगो गंगोगो नुन जितका ये आतो रे रेग दो में मु रबर एन्या प्रोसेसिंग इक दोला मु पार्दर फैक्ट्री लोजी है मिन में नुन नुन ने इलामा मु रो प्लांटेशन इन में यो का मांगु उसी लो लिंग नंगाई ना उसी लो नंगाई ना उसी का एन में हिम दिन 6 इयर्स गो एन्या गला टेक्निक एन्या मुन ट्रेनिंग जी डिपार्टमेंट जी है मिन में नरुवा हिंग हिलोगिंग काला ही गुगा आई ओपनर पायोनर अत प्रोग्राम हेमाना हिन इकाल मु नाइन गुंड ऑफिस बोल एग्रीकल्चर ऑफिस बोल आत का ओक बोला मा ओक आत मु हम जु काय मु हम मु का तो का एम इन में गोल नरो मरी को जंगना को दे दोगे यो को इस गो बे मु न गद रबर प्लांटेशन इरु तो लगा मु रिक्वेस्ट दग नरो कुम दग ना अल रुदो थैंक यू सर थैंक यू नॉन सिंथिंग हम पादो रबर स्ट्रेटजी म आम हम आबाकै लेटेक्स इंग्लिश ल लेटेक्स हम दुई टेपिंग इरप ल इरप दुई हम इगो गन्दा न मिलो मिस नेम सिन कोर गे बा हम नो हालिक न म अल रूम मुद नै हम न गुनु गुमि न हिन गालो गुमि न गम नि गो मेन का जे तो हि रबर होक आबा हो हि बाबो गो थैंक यू डोमिन हि गो आजि गो देरी बा अथवा पांगस मीटिंग गो काला इगेला हि हलोग मुनुक प्रोग्राम पादुग होक रबर हिलोग इरेब नामी की गुनुक अब गालो समाज के ओक ए माने अरुणाचल ए जे होल अरुणाचल लगाबे अखना न्यू एडवांसर पोगांगो कान में ही गुनु नीगा दे में तो गुनु खगो रबर प्लांटेशन इयम रबर नेने दु ने मादेम ला अब मेला इकागे इमागे इतो इजा हिलो परमान कान में पूरा रबर पक्का दु ने इगोगका इजा गुन पूरा ये पुरुप जिका जे गुनु मोकी रबर लगाबे माज बे आलदु नय एमिन में इजा गुनु कोते कांग इगना और नसल लगी पॉपुलेशन काम आगे ला कोते कांग इगना ही असमे मिन गुनु अति आदु को दिए एमिन में हिम कोते काते हिम गुनु अत्तु को ना बोलो साबक साइन इन नका दु ओके मुन इजा रबर प्रेजेंटेशन बिरे पलाई है यो कान में रबर हिगी पक्का दू नहीं मुनु गति गतिश का दे मोतुंग का दे दोलु का दे मोतुंग का दे आराब दो माजु ही रबर प्लांटेशन में मिला ही मुनु का हिगी अकना मुनु का और नसल का मुनु दो पाते पर और नसल की कोदिया में आई इजा मुनु कोदिया मुंबई लोग माजु का और कंपाम का को रबर प्लांट ने को पक्का दू नहीं मुनु काल दू नहीं मुनु अब गुमिने का दे हो इजा इलाजो और मुनु दिए ने कमने गुनु एग्रीकल्चर निगमनेशन में ये इजागे लोग के स्कीम नौ ओके न्यू नी स्कीम लोग के रबर प्लांटेशन बगल ला लारू तो का एम ये ओके उन कौन पाम का ngo sin le kilo daut to i रबर जी दी जी मादे इसा दी मासा दी इसा दी मासा म तो इजा काक नाम में अब ग यपु दूध गए बकु माज में अब के ने व्हाइट गोल्ड दम दो व्हाइट गोल्ड व्हाइट गोल्ड ग्रीन गोल्ड दम दो साम ही व्हाइट गोल्ड दम दो एम दो लुगा दे अब रबर प्लांटेशन इला दो पाते पादे बदाम ही इले ल कम लंगो नु पब्लिक दे मेन थैंक यू सर।